सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेव जी भगवान कन्हैया कृष्ण को टोकरी में बिठाकर गलम ने सब देखा है। शिशुम यशोदा शयने विधाया तत् सुताम उपादाय पुनर्गृहान गातु। सुता मीन्स पुत्री। भगवान कृष्ण को वहां यशोदा जी के बगल में लिटाकर शी इज ब्रॉट देर देव्यक्या शयने न्यस्य वसुदेवोथ दारिकाम प्रतिमुच्य प्रदोर्लोहम आस्ते पूर्वदावृतः। सारे जो वसुदेव जी को भी सारे चेन से उन्हें बांध के रखा था, हाथ को पैर को, देन ऑल ऑफ दैट अगेन गॉट। मतलब क्या हुआ है? भगवान जब चाहते हैं मुक्त दे देते हैं मुक्त ही, जब चाहते हैं वही बंधन देते हैं, है ना। तू ही बिगारी तू ही सवारी तेरे चरणों में चारो धाम हे राम हे राम, है ना। इसके दो अर्थ है, तुम ही सब कार्य बिगाड़ते हो, तू भी सब कार्य सवार। पर इसका एक अर्थ मुझे एक दिन ध्यान में महसूस हुआ, शायद उसमें कितना निकलेगा कि नहीं पता, अच्छे लगेगा तो सुन लो आप। उसमें क्या है, कहते हैं तू ही भी गाड़ी, ये जो शरीर वाला गाड़ी, और इसके अंदर बैठने वाले सवारी भी तू ही है कि नहीं। तू ही भी गाड़ी तू ही सवारी, सवारी रूप चैतन्य जीव भी तुम ही हो, और जड़ रूप ये जो गाड़ी वो भी तुम ही है। मतलब लिखने वाले ऐसे सोचकर लिखते हैं और कुछ कुछ लोगों को पता चलता है। नहीं तो यूजुअल मीनिंग इज तुम ही सब बिगाड़ा तुम ही सब सवार है, वो तो है ही। सवारना मीन्स क्रिएशन, बिगाड़ना मीन्स वो सृष्टि का लय करना, नॉट दैट बिगाड़ो सवार। जो वर्ड्स का अल्टीमेट मीनिंग लेना है हमको, भगवान की जो बात होती है, डोंट टेक अवर व्यवहारिक मीनिंग। फिर हो गया यशोदा प्रतिमुच्य पदोर लोहम आस्ते, तो भगवान ही बंधन मुक्ति का कारण है, इसलिए उनके चरण पकड़ो। यशोदा नंद पत्नी च जातम परम अपूज्यता तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। भगवान की माया है, निद्रा लग गई, स्मृति भी गई है, शी हैज नॉट सीन हु इज शी। फिर तम बाल ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता ते तो तूर्ण उपव्रज्य देव क्या गर्भ जन्म तत् आशक्युर भोजराजाय स तल्पा तूर्ण उत्थाय कालोय विपला सूती गृहामगात तूर्णम प्रस्कलन मुक्त मूर्धजा। वो इतना वो ऐसे लेटे रहा था जब आके बताए महाराज बच्चे का आवाज आ गया, जन्म हो गया। फिर उन्होंने ना दांत भी नहीं मांजा, नहाने की भी बात नहीं है, बाल भी ऐसे बिखरे हुए थे, बेडटी भी नहीं लिया उन्होंने, है ना। हम लोग बोलते हो ना बेटी को, बेटी ले आओ बेटी 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 ले आओ बेटी। सो नो बेटी नो विदाउट वॉशिंग द टीथ ब्रेकफास्ट, दौड़ कर आ गया काल हो, अरे मेरा काल आ गए रे करके वीक वाला सूती गृह में आ गए। फिर वो तो कितने कृपणा दुख में, ओ देवकी देवी जी नाटक कर रहे थे शीनो संडाल, देन स्नुषायम तव कल्याण स्त्रियम्मा हंतुम अर्हसी ज्वाहो हिंसिता भ्राता। ये तो तुम्हारी क्या बोलते हैं भांजी, भांजी बोलते हैं ना बहन की बेटी को, ये तुम्हारी भांजी स्नुषा है, हाउ कैन यू किल, ये तो स्त्री है। आकाशवाणी ने कहा अष्टम पुरुष गर्भ और वो करेगा कहा, तो ये तो स्त्री है। देन बहो हिंसिता भ्राता शिशव पावकोपमा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतने सारे छह लोगों को तुमने मार दिया है, त्वया दैवनि सृष्टिना पुत्रिका एकादीयताम प्रदीयताम, प्लीज एटलीस्ट लीव दिस वन गर्ल चाइल्ड। ननु हम ते ही अवरजा दीना अत सुता प्रभो दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। सो दिस गोइंग टू द लास्ट वन, एटलीस्ट लीव दिस गर्भ। देखो आजकल भी इतने लोग होते हैं ना, गर्भ अवस्था में शिशुओं को मारने वाले नॉल, ये सब कम्स के ही अंश है, उनसे हमें अपने को होने वाले जो दुख,
इवन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, एंड अभी तो इतना बुरा स्थिति आ गया, पेरेंट्स ओनली पहले वो जानकर कि बॉय और गर्ल एंड ऑल व्हाट दे आर थिंग, इतना राक्षस है तो व्हाट टू डिस्कस अबाउट दैट। एंड देन भगवान कंस मारने के लिए हाथ से खींच लिया, मैंने ट्राइड, देन जो मदर जो है ऐसे हवा में उड़ गई। ओम जात वेद से सुनवा मसो ममराती यतो निदहाति वेदः सन पर्षदति दुर्गा निवेश्वा नावे वसिंधम दुरितात्यग्नि ताम अग्निवर्णाम दवसा ज्वलन्ते वैरोचनीम कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवेगम शरणमहम प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं भारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति भिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकायतनया यशयो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुल्लनाव दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा कृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृथनाजितगम सहमान उग्रमग्निगम होएम परमात् सदस्तात् सन पर्षदति दुर्गाणि विश्वा शामद्देवो अतिदुरितात्यग्नि प्रत्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्नि तरुवं विप्रयस्वा स्वभ्यं च सौ भगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयि जो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्त ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् बोलो दुर्गा माता की अयि गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिन विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलिता मल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत चल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौली मिलत भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरम रम्यकवर्दिनि शैलसुते या देवी सर्वभूतेषु स्थितिरूपेण आत्मरूपेण ज्ञानरूपेण बुद्धिरूपेण भक्तिरूपेण युक्तिरूपेण मुक्तिरूपेण शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसे जब भी आते हैं ना टॉपिक्स, एक मिनट पॉज करके अपने मन को थोड़ा वहां अंकित करना है। फ्लो ऑफ द स्टोरी एक तो है ही, पर सेम टाइम दिस इज ओकेशन, स्टॉप, प्रे टू मदर सो दैट शी टेक्स केयर ऑफ अस। माँ की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। देन इसके बाद अहो भगिनी अहो भाव मया वाम बत पापमना पुरुषादैव अपत्यम बहव हिंसिता सुता। तो ऐसे अष्टभुजा महादुर्गा देवी का दर्शन हो गया कि नहीं कम से कम, होने के बाद उसका दिमाग एकदम ठीक हो गया फॉर सम टाइम नॉट परमानेंटली। फिर तुरंत वो जो है ना वो तमोगुण रजोगुण से सतोगुण में आकर सारे गलतियों को अपना स्वीकार करके माफ करो मैंने तुम्हारे इतने पुत्रों को मारा। अब ये भी एक बेवकूफ के सब करने के बाद आप माफी मांगो तो क्या है है ना। कुछ लोग होते इतना घटिया काम करके दुख पहुंचा के फाइनली आई एम सॉरी यू नो एक वर्ड बोलते बस सारा दुख है कि नहीं। मैं भी आपको आधा घंटा ज्यादा बिठे के आई एम सॉरी, हाँ क्या सॉरी बोलते हो आप आपको भी लगता है तो इस तरह से बहुत बढ़िया सा वेदांत कंस भी सुनाता है, जैसे वहां हिरण्यकश्यपु ने सुनाया कि नहीं कोई भी जीव सत्य मतलब शरीर कोई भी सत्य नहीं है, ये नहीं है, परमात्मा ही सत्य है, ये सब यावत हतोस्मि हंतास्मि इति आत्मानं मन्यते अश्वद्रुक तावत तदभिमान्यज्ञः बाध्य बाधकता मियात। ये कंस का जो टीचिंग है इसको भी आप वेदांत में शामिल कर सकते हो, ब्रह्म ज्ञान दे रहा है वो है ना। जब तक मैं हंता हूँ या मारने वाला या मरने वाला,
तब तक आप अज्ञान में देहभान में हो। भगवान को अंताचेन मन्यते अंतुम हतश्चेन मन्यते उपतो न बिजानीता वही ना यम हंति न हन्यते। हंति मीन्स हनन क्रियाया कर्ता भवति, हन्यते मीन्स हनन क्रियाया कर्म भवति। सो भगवान इज नाउ इधर द डूअर ऑफ एनी एक्शन, नॉर एनी एक्शन कैन फॉल ऑन हिम। ये कंस का ये श्लोक या ये पोर्शन से व्हाट एसेंस हमें क्या पकड़ना है कि वेदांत का सिद्धांत ज्ञान होने के बावजूद भी कंस जैसे दुष्ट बन सकते हैं। देयरफॉर वेदांत का सिद्धांत ज्ञान होना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंस जैसा दुष्ट नहीं बनना इम्पोर्टेंट है। अदर पॉइंट, यू कैन नॉट चीट, यू कैन चीट एवरीबॉडी, कैन नॉट चीट यूर सेल्फ। अपने कॉन्शियस को तो हम चीट नहीं कर सकते। और एक तरह बताएं तो ये तो पूरा नेगेटिव मीनिंग होगा, इंटरप्रिटेशन गलत होगा। आया थॉट शेयर ही कर लेते हैं, व्हाट इज दैट, हो कंस की तरह कोई वांदा नहीं आज के दिन, लेकिन वेदांत का ज्ञान भक्ति के ज्ञान सुनते रहो, एक न एक दिन भगवान आके मुक्ति देंगे। दैट डजंट मीन दैट वेदांत ज्ञान पाने के लिए कंस बनना एक क्वालिफिकेशन है, फिर वो भी बताना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स यू नो, जिस तरह से है कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धाम प्रतिभाषिता देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अविशद गृहम तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वम यदुक्तम योगमायया। फिर रात उनसे परमिशन लेके चला गया, रात को हुआ था ना जन्म एंड ऑल दैट, ही स्लेप्ट एंड अर्ली मॉर्निंग सारे अपने दुष्ट राक्षसी मंत्रियों को बुला के मीटिंग लगाया, फिर सबको बताया ये दिस हैपेंड दैट हैपेंड। अब रात में जब सो गया, उसका जो अच्छा गुण वाला भक्ति वाला जो है सारा चलाकर ओरिजिनल कम से केम बैक। है ना भाई, मिस्टेक हम कभी भगत बन के मंदिर में जाकर तेरा तो उसको ओम जय जगदीश हरे करते हैं, अरे मेरे को क्या हो गया, मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ, अगेन वही कम है। देन ही मेक्स एंड सबको जो कहानी हुआ बताते हैं, और योग माया ने जो कहा व्हाट शी सेड, तेरे को तुझे मारने वाला ऑलरेडी जन्म लिया हुआ है। ये देखो पहली वाली जो आकाशवाणी ने कहा जन्म लेगा, वो उतना डरने लगेगा क्योंकि अभी जन्म तो नहीं लिया, अभी तो ले लिया है, अभी क्या करे। देन ते भी आचष्ट तत्सर्वम यदुक्तम योग माया। देन आकर्ण्य भक्तुर्गदितम तमुचुर देश देव शत्रवा, देवशत्रु राक्षस रूप सब उन्होंने कहा, देवान प्रति कृता मनसा दैत्य अनाथ कोविदा, ये सारे दैत्य लोग हैं, दे गेव ए रॉन्ग एडवाइस टू, उनके लिए अच्छा लगा पर व्हाट एडवाइस, एवं चेतर ही भोजेन्द्र पूरा ग्राम व्रजा दिशु अनिर्दशा निर्दशा अंश हनिशामोद्य वही शिशु नो किमुद्य वही करिष्यंति देवा समर भीरव नित्य उद्विग्न मनसा जागोशे धनुषस्तवा। सो ये लोग युद्ध से भागने वाले देवता लोग हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें काम करेंगे क्या है, सारे राक्षस या कुछ भी सैन्य है इनको भेज कर जो कोई भी 10 दिन के आयु के आगे पीछे होते हैं उन सारे शिशुओं को मार डालेंगे। द रॉन्ग एडवाइस, मतलब एक कृष्ण भगवान को पकड़ने के चक्कर में ये कितने, पहले ऑलरेडी 6 बच्चों को मार चुका है देव की देवी का, उसके अलावा गांव गांव में जगह जगह जाकर सारे बच्चों को उसने मार दिया। ऑल चिल्ड्रन ऑफ 10 डेज, जो छोटे बच्चे में जन्म लिए कितना प्यार माता पिता सबको होता है, दीज राक्षसस गो उनको स्नैच देम एंड किल देम विद द फियर दैट ही मे बी कृष्णा। इट शुड बी द अदर वे अराउंड नो, कि है किस बच्चे में कृष्ण हो सकता है, ऐसा सोचकर उनको पूजा करना है ना, लाइक परीक्षित परिता ही इच्छते और सब में भगवान की खोज कर रहे थे वो। सो पॉइंट, व्हाट इज फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी वेदांत, आपके सामने दिखने वाले जो भी वस्तु है आप अपने अकल को यूज करके भगवान को ढूंढ रहे हो क्या, ढूंढ रहे हो तो साधक है, पकड़ लिया तो सिद्ध है। या आपके सामने दिखने वाले कोई भी वस्तु में आप भोग देख रहे हो क्या, अपना ही थोड़ा सेल्फिशनेस या स्वार्थ देख रहे हो क्या, देन आप खुद ही अपना पतन का कारण बनते हो। दीज आर द इनर स्टोरी हर एक जगह पे हमें मिलते हैं। फिर श्री सुख उवाच एवं दुर्मंत्र भी कम सहसा संबंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम मेने काल पाश वृतो सुरा
फिर ये हम सभी विप्राह गावह वेदह तपह सत्यम दमह शमह श्रद्धा दया तितिक्षा कृतवा, इन सबको कष्ट देना शुरू किया है। लाइक एनी राक्षस ब्राह्मणों को भी कालपाश वृत असुर काल का पाश में है ना। फिर एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप कि पहला बच्चा जब दिया वसुदेव जी ने, नारद जी आके बताए वाई शुड नारद कमेंट स्पॉइल द माइंड ऑफ कंस, उसका आंसर भी है कि इसके पाप का घड़ा भरना है, अंदर का जो भी करता है बाहर एक्सप्रेस होना है, तब जाकर भगवान आएंगे इस तरह से। फिर देन वही रज प्रकृत सताम विद्वेश आचेरो, देखो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान आशिष एवच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसः महत अतिक्रमः। पुरुष जो भी है महत अतिक्रम करता है, संतों का महात्माओं का साधना वाली बातें या व्यवहार के बातें भी नहीं प्रैक्टिस करता है, ये 50% है। अदर साइड जो उनको ह्यूमिलिएट इंसल्ट करता है, उनका रेस्पेक्ट आदर नहीं करता है, उनका क्या होगा, आयुहु गॉन, श्रीयम गॉन, यशो ये भी गया, धर्मम ये भी गया, लोकान ये भी गया, आशीषः। ये जो कठोपनिषद में कहते हैं ना कि ब्राह्मण का आप आदर नहीं करोगे तो ये छप जाते हैं। पढ़ दे श्लोक, द एट थिंग्स ही टॉक्स अबाउट कि यम धर्मराज के मंत्री और पत्नी कहते हैं ये ब्राह्मण आके 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, आप उनको समय पे ये सब नहीं दोगे तो ये सब जो है ना लेके जाता है भगवान करके। श्लोक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, यहाँ भी हमको याद रखना है कि संतों की सेवा से ही सबक कल्याण मंगल हो जाएगा। इस तरह से ये देवकी वसुदेव भगवान कृष्ण का जन्म, उनको वहां गोकुल में छोड़ना, वापस कंस, उनका कहानी कि उनका डिस्कशन, ये वाला पोर्शन हो गया। नाउ वी हैव टू शिफ्ट अवर कैमरा टू नंद गोकुल, जो कल आप इतने अच्छे तरह से सुंदर ढंग से सारा सेलिब्रेट किया, एंड शायद आपको सपने में भी भगवान आए होंगे, किसी को दर्शन दिए होंगे, आप भाग्यवान भाग्यवती पुण्यवान है। कल से भगवान का नाम याद आया कि जाके ऐसे सो गए कम की तरह, बोलो थोड़ा किया ना, हाँ की ना बोलो, हाँ या ना, राम राम राम। कृष्ण जन्म में थक नहीं जाना, दिस इज द मेन टाइप। नो श्री शुक, फिर सारे ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन वगैरह नंद जी करते हैं, सुबह देखकर कि पुत्र हुआ है वो सब, देन विधिवत पितृदेव आश्रम तथा, देन ही सो क्या कहते हैं ना, लिबरल एंड वंडरफुल, इतने सारे धान उन्होंने सबको दे दिया है, ब्राह्मणों को ऋषियों को जो भी जो कुछ भी चाहते हैं। जैसे कल रात को हुआ ना, हे नंद बाबा आपको पुत्र हुआ है, कितने दिन से वेट कर रहे हो, दे दो ना दे दो ना दे दो ना, वो भागे मैंने देखा ही नहीं, नॉट रन, ही जस्ट वेटेड, आओ ले जाओ, ये तो खुशी का मौका है, वट एवर यू वॉन्ट यू टेको टेको टेको, देन एवरीथिंग हैज गिवन। देन सारे क्या किया, कृष्ण का जन्म हुआ, नॉट ओनली गिव टू द पीपल हु आस्क्ड आर वांटेड, ये जो गाय बछड़े सब मांगते तो नहीं है ना, बोलेंगे कि ना हमें दे दो बाबा, नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे अम्बा इतने ही। वो भी बोल रहे थे शायद, ऐसे पूछ रहे, तो ये हमारे नंद बाबा ने क्या किया, सारे गायों को बछड़ों को भी बढ़िया सा नहलवा के, उनको भी शेंट वेंट करा के, सबको बढ़िया कपड़ा पहना कर फूल मालाओं से उनको भी सजा, क्योंकि भगवान आ गए और ज्यादा समय भगवान उन्हीं के साथ रहने वाले हैं, और उनके रक्षा प्रेम और अलंकार नहीं करोगे तो भगवान टाटेंगे पिटाई करेंगे। देयरफॉर गावः वृषाः वसतराः हरिद्रा तैल रूषिताः विचित्र धातु बरहसक वस्त्र कांचन मालिनः महार वस्त्र आवरण कंच कोशनीश भूषिताः, सारे गोपबाल सबको जो है एवरी गिफ्ट एवरीथिंग इज गिवन, होता है कि घर में बच्चा हुआ दे हैव लॉट ऑफ मनी, सारे सर्वेंट्स को भी एवरी गिफ्ट्स दे हैव टू गिव, आपके बच्चे के जन्मदिन में उसी को नहीं सेलिब्रेशन, लेट इट बी विद ऑल द चिल्ड्रन। देन सबसे इम्पोर्टेंट सारे गोपियां, कौन है सब गोपी पहले याद करना, नहीं तो गड़बड़ होगी बात, सब भगवान ने जो आदेश दिया, सारे सुर लोक के देवता लोग ही ये भगवान कृष्ण के लीला आनंद लेने के लिए गोपियों के रूप में आए हैं। रिमेम्बर गोप्या चाकर्ण्य मुदिता
यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषया चक्रु वस्त्र आकल्प अंजनादिभिः। छोटा बच्चा है, उसको कौन क्या है पता है? नहीं पता, फिर भी वी आर गोइंग टू सी हिम, तो हम पूरा उतरे हो चेहरा और बिना ना ही जाएंगे, तो फर्स्ट साइट विल बी वेरी बैड। इसलिए दे टुक बाथ एंड फर्स्ट क्लास डेकोरेट करके सब लोग गए। आंटी उस दिन वो मेकअप मैन मस्ट हैव बिकम करोड़पति है कि नहीं? फिर नम कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया बल्बि स्वरितम जगु प्रत्युष्टोण्य चलत कुचाह देन गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरापति चिकाचित मान्य वर्षाह। ये सब हो गया, सारा अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदेस्य व्रजमागते। अनंत भगवान कृष्ण विश्वेश्वर नंद जी के घर आए, तो लॉर्ड ऑफ म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन। गोपाह परस्परा मृष्टाह, यू नो ये गोकुल में नंदोत्सव बहुत बड़ा होता है। सारे गोप लोग जो है ना नंद बाबा की तरह सारे हृष्टा दधि क्षीर घृत अम्बुभि आसिंचंतो विलिंबंतः नवनीतेश्च चिक्षुभुः। ये सब कल आपने नहीं किया, मैं याद कराना चाह रहा था, मुझे याद था, लेकिन आई नेवर नो थिंग्स आर देयर नॉट। कि सारे जो रंग होते हैं ना गुलाल, क्या बोलते हो, ये दूसरे को गुलाल छिड़क लिए, फिर दही मक्खन जो भी है खाए भी खिलाए भी, पूरा एक दूसरे का लेपन भी कर दिए। और होली तब से स्टार्ट हुई ना, ऑल दीज थिंग्स यू डू। कल भूल गए क्या? कम से कम तिलक भी नहीं रखा, रखा क्या? तिलक रखा है, दिख रहा है अभी तो कल का। सो दे एंजॉय द सेलिब्रेशन, रंग वाला भोजन ये सब करके, देन नंदो महामना तेभ्या फिर वासो अलंकार गोदनम सूत मागध वंदिभ्या येन्य विद्या उपजीविना। सब लोगों को उन्होंने एवरीबडी रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड है, इनको जो भी जो मांगा सब दे दिया है। फिर रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभि नंदिता वैसर दिव्या रोहिणी ऑल्सो। सो रोहिणी यशोदा नंद बाबा की दो पत्नी, तो यशो रोहिणी के गर्भ से ये शंकर्षण भगवान और यशोदा जी को ये जो है कृष्ण भगवान वहां आगे है। फिर एक बार क्या हुआ, फिर इट वॉज कंटिन्यूइंग सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट। गोपों को एक बार गोकुल रक्षा में रख कर ये जो है कर निरूप्य मथुरांगदा नंदा कंसस्य वार्षिकम करम, एनुअल टैक्स भरने के लिए कंस के देने के लिए ये जो गोकुल से वो जो मथुरा में गए, कौन? नंद बाबा। फिर वहां जो है वसुदेव जी को मिले। वो वसुदेव नंद जी के बीच में इतना सुंदर संवाद होता है। देन फर्स्ट नंद बाबा को पता चल गया न्यूज कि वसुदेव जी के इतने पुत्रों को वो कंस ने मार दिया। देन दिष्ट्या प्रातः प्रवयस इदानीम प्रजस्यते, देन बहुत दुख से आपके सारे प्रजा को उन्होंने मार दिया। ही वॉज एक्सप्रेसिंग ऑल दट, बट वसुदेव जी इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ही नेवर रेस्पॉन्डेड और रिएक्टेड, बस ऐसे सुनते गए। फिर नंद बाबा अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहुवताः एकावशिष्ट वर्जा कन्या सापि दिवंगता। मैंने सुना पुत्रों को मार दिया और कन्या थी वो भी दिवंगता ऊपर चली गई। वसुदेव जी सब सुनकर हम क्या करते, कोई आके हमें कभी तसल्ली देते? हाँ मुझे इतना दुख मिला, भगवान ने ढूंढ ढूंढ के मेरे को ही दिया। लेकिन कोई हमारे दुख सुनने वाले होते ना, एक बिठा बिठा के खिला खिला के उनको सुना दे जाते हैं, ये हुआ वो हुआ। एंड देन इतने बच्चे उनके मरे, बट नंद जी ने कुछ नहीं कहा। ओनली वन सेंटेंस ही सेड, करो वही वार्षिको तत्तः राज्ञे दृष्टा वयम च वहा न इहम स्थेयम बहुदितम संति उत्पाताश्च गोकुले। किसलिए आये वो? दो काम, एक टैक्स भरना, भर दिए वर्ग, दूसरा काम क्या था? मुझे मिलना है, मिल गए ना, अभी रुकना नहीं, चले जाओ, वो गोकुल में बहुत सारे गड़बड़ होने वाला है, जाओ भाग। यू नो वी शुड नो द आर्ट ऑफ चेंजिंग द टॉपिक, इमोशनल बनना, छोटे छोटे चीजों के बारे में दुखी होना और उसी को बार बार याद करते रहना और रोना, 30 साल पहले तुमने मुझे गधा कहा, उसमें क्या है, मैं अभी भी कहता हूं। अरे फर्क थोड़ी है, मैं अपने ओपिनियन थोड़ी चेंज करूंगा बार बार, सेम टू सेम। डोंट यू डू, लड़ाई शुरू होती है बस खाने में नमक ज्यादा था। देन शी सेज तुमने सुबह भी ऐसे बनाया,
फिर वो सुबह जो है कल के लिए जाती है, कल भी ऐसा ही हुआ, मैंने अच्छा खाना बनाया, तुमने उसको माना ही नहीं, जब देखो मैंने बाकी लोगों को दिया वो सब खाए, गाय भैंस, तुमने खाए नहीं। देन शी सेज, जब से शादी हुआ तुम खाना ऐसा ही बना रहे हो मेरे लिए। देन वो कहते मेरा भी बदकिस्मत है, मैंने तुमसे ही शादी किया। फिर दिन दे गो बैक, एक्चुअली मेरे माता पिता को डांटना है, कितने लोग थे तुमसे शादी करवाए। देन दे गो बैक, किस किस को डांटते ने, फाइनली बचते कौन है, भगवान। क्यों? इतना सा नमक खाने में कम था। देन यू गो अप टू द गॉड एंड ब्लेम एवरीबॉडी, वी आर सो इंटेलिजेंट इन ब्लेमिंग एवरीबॉडी एंड फाइटिंग एंड मेकिंग इश्यूज एंड ऑल। जो हो गया ना दफना दो, गुरुदेव जी कहते हैं डोंट डिग द बरियल ग्रेव ऑफ द पास्ट व्हिच गिव्स ओनली द स्टिंक ऑफ द डेड मैटर। नहीं, वो जो है ना उसको खोदते रहोगे तो मुर्दे वहां से निकलेंगे। पास्ट में सीख कर प्रेजेंट को मॉडिफाई करके फ्यूचर को बनाना है, बस उतना ही। पास्ट को खोद कर प्रेजेंट को गंदा करके फ्यूचर को सत्यानाश नहीं करना, हो गया बस। Dead and gone. Gurudev's sentence is, you can neither do anything in the dead gone past, nor you can do anything in the unborn future. And whatever you have to do, you can do in the present, right now, here. उनके बहुत सारे ऐसे quotations powerful है. Now इस तरह से ये हुआ है, फिर चले गए. Now यहाँ planning हो गया ना सारे ministry का, comes वाले. तो what to do? उन्होंने सोचा किसको भेजो, तो उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक सबसे बड़ी परम राक्षसी वाली विमेन मिनिस्टर भी थी। है ना, बहुत एक्सपर्ट भी थी वो, जाकर सारे बच्चों को कैसे मारना, सब लोगों ने उसको भेजा जाकर ढूंढो और बच्चे को मोरल मत कैम्प्टनों की इज देर। है ना, देन शिवा सेंट, क्या नाम है उनका, पूतना आंटी जी, है कि नहीं। सो कम से ना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चचार निग्रंति पूरा ग्राम व्रजादिशु। बहुत सारे बच्चों को मारते मारते वो गोकुल तक पहुंच गई। तो देखा तो भगवान कृष्ण, देन क्या है, शी अंडरस्टूड इसको भी मारना है। देन लाइक एवरीवेयर शी वाज डूइंग, पहले तो अपने आप को राक्षस रूप हटाकर सुंदर स्त्री के रूप, ये सहा लिखे यहाँ, ब्यूटीफुल वर्णन ऑफ जो पूतना है कि नहीं। वो सारे लोग भी वो मेकअप पार्लर में जाने के टाइम अलग, बाहर आए अलग। एक बार एक युवकेंद्रा मेंबर का शादी हो गया, लड़के हैं, उसने फोटो भेजी मुझे, मैं फोटो भेज कर हैरान होकर तुरंत फोन लगाया उसको, बोला अरे शादी तो तेरा था वो लड़की, तू कहाँ गई है, दूसरी लड़की बैठी हुआ। स्वामी जी 40,000 लगे, जो भी लगे मेरे को क्या पता। When you go inside different, भाई यार आगे अलग ही अलग है। एंड देन सारा अलंकार यो करके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके वो जो है गई है वहां, और देखी विबुद्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सा निमीलिते क्षण। देन वो जाके प्यार से पूछती है उनसे, इतना प्यारा नन्ना बच्चा है, मैं उनको दूध देना चाहती हूँ। यशोदा जी को थोड़ा शक हुआ, उन्होंने बगल अगल में देखा, बाकियों को भी पूछा, तो बेचारे भगवान के माया है, तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो। वो ले ली भगवान कृष्ण को गोद में बिठाई, थोड़ा सेट पे जाकर वो भगवान को दूध देने लगी। भगवान दूध पीना शुरू किए, पीते पीते वो ऐसे लिखा इधर, चराचर आत्मा सह निमीलित ईक्षण, आंख बंद कर लिए। ये जो भगवान पूतना का दूध पीते हुए आंख बंद कर लिए, इसके ऊपर कुछ लोग एक घंटा सत्संग करते हैं। भाई लॉर्ड क्लोज आईज, सुंदर सुंदर बहुत प्रसंग, दो चार आपको बताते मजा आता है। पहला भगवान ने आंख बंद किया और सोचा कि ये पूतना को मैं चंद्र मार्ग में भेजू या सूर्य मार्ग में भेजू, ये नालायक किसकी लायक है। He was thinking, अपना लॉ बुक्स को रेफर कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद कर लिया उन्होंने। या पापियों को देखना नहीं चाहिए ना, बोलो है कि नहीं, इसलिए वो पापी आई है, इसलिए आंख बंद कर लिया उन्होंने।
नहीं देखना है, पापी देखो तो जीवन पूरा पापा दे पूरा खराब होता है। इधर यू बिकम ए पापी एंड गिव रॉन्ग साइड टू अदर्स नॉर यू सी। तो इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। अब कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो दूध मक्खन खाने के लिए आया हूं, ये क्या है, मुझे विष मिल रहा है। कि नहीं ठीक है, पर ईटिंग एंड एंजॉयिंग ऑल दैट, ये विष मिल रहा है, व्हाट इज दिस। और कुछ लोग कहते हैं यस आई केम टू किल राक्षसा एंड ऑल, लेकिन ये जो पहला वाला विकेट ही ये लेडी आ गई है, मैं क्या करूं। भगवान राम अवतार में भी उन्होंने पहले ताटका, यू नो, वो इधर भी वही है, ही वॉज फीलिंग बैड फॉर हर, देयरफॉर ही क्लोज्ड आईज ओनली। और सबसे बढ़िया वाला मुझे लगा कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली, किसी ने कहा भगवान जो है मन ही मन आंख बंद करके वायरलेस में भगवान शिव जी को फोन मिलाया और उनको पूछ रहे भैया आपको अनुभव है बताओ विष कैसे पीना चाहिए। नहीं कि नहीं, हाउ टू कंज्यूम फिश एंड अगेन बी इंटैक्ट। सो इस तरह से लॉट ऑफ थिंग्स जो है ना, देन बेस्ट ऑफ द थिंग इज व्हाट, सबसे बढ़िया ये है, छोटा बच्चा है आंख बंद कर लिया, खत्म। व्हाट टू डिस्कस इन ऑल दैट, निमिलित क्षणा आंख बंद के लिए, देन तस्मिंस्तरम दुर्जर वीर्य बुलफणम गोरांकम आदाय शिशो तथावता गाढ़ कराभ्या भगवान प्रपीड प्राण सम रोष समन्वित अभिवत। ऐसा दूध पीते पीते अपने हाथों का पकड़ को स्ट्रांग कर कर उस स्तरों को ऐसे निचोड़ते हुए वो ऑलमोस्ट मारने लगे उनको। फिर ये जो पूतना डरने लगी, बाधा दुख हो रहा था, चिल्लाने लगी सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिनी निष्पीड्य माना अखिल जीव वर्मणि, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मैं पकड़ता नहीं, पकड़ूंगा तो छोड़ता नहीं। इसलिए नॉर्थ इंडिया में कोई भी दुष्ट ग्रह का बच्चों के ऊपर असर होता है तो ये मंत्र बोलते पूतना मुंच मुंच पूतना मुंच मुंच बोलते। सुना कभी नहीं, पूतने मुंच मुंच नॉर्थ इंडिया में होता है। एनीथिंग नेगेटिव द चाइल्ड डज और समथिंग, वो पुतरा का आवेश हुआ है एज इफ दिस यूजर्स फेलो इज कृष्णा, वो छोड़ो छोड़ो। फिर भगवान ने ऐसा उनको वो कष्ट पीड़ा दी, देन शी डाइड एंड बड़ा राक्षसी का आकार, और भगवान जो है उनके वक्ष स्थल में ऐसे लेटे हुए थे। क्या हुआ, इतने में सब लोग घबरा गए। पतमानो पितर देहा त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान सूर्णयामास राजेंद्र महदासी तद अद्भुतम, बड़ा देह लेकर वो गिर गई। देन एवरीबॉडी गॉट फ्राइटेंड एंड ऑल, यशोदा रोहिणी सब तो भाग कर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। पहले सबका अटेंशन तो बच्चे के ऊपर, वो है कि नहीं, ही इज इंटैक्ट, उसको कौन कर पाएगा, वो आनंद में था। और लेकर उनको वो सबने क्या किया, कोई शुरू शुरू में क्या, सिक्स्थ डे है वो, सिक्स्थ डे ऑफ द बर्थ ऑफ कृष्ण की शुरुआत में पता नहीं अभी छोटा बच्चा सब नेगेटिव थिंग इज अफेक्टिंग करके बेचारे भगवान कृष्ण को डायरेक्ट गाय के नीचे ले जाकर गोमूत्र से स्नान कराए। फिर सारे चीजें ये वो उनको लगाकर दृश्य हटाते हैं ना, नजर निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, फिर पूरा धुआं सब कुछ उनके चेहरे पे लगाया। और ये बेचारे कृष्ण को हर बार होने वाला है। जो भी राक्षस आके जाएगा मर के, ये कृष्ण भगवान अरे फिर लाने वाला है रे बाबा गोमूत्र, है ना। सुनने को अच्छा लगता है लेकिन यू कैन नॉट हैव इट एवरी डे एवरी टाइम। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने रक्षा विदे सम्यक गोपुच्छ भ्रमण आदि भी, है ना, गाय के पुच्छ से ऐसे करवाना ये सब किया है। देन गोप्या संस्पृष्ट सलिला अंगेशु करयो प्रतको न्यस्य आत्मनि अथ बालस्य बीज न्यासम कुर्वत। और बहुत सारे यहाँ लिखते हैं किस तरह से वो भगवान विष्णु का पूजा करके वो पूरे कृष्ण के अंग प्रत्यंग में विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं, जैसे हमने नारायण का बड़ा की रही, उसी तरह से वो लोग करते हैं। किनको, कृष्ण भगवान को जो ऑलरेडी विष्णु है। सब श्लोक लिखा है, इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो अवतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वर अवतु पृष्ण गर्भस्थे बुद्धि आत्मान भगवान वरा क्रीडंत पातु गोविंद शयानम पातु माधव प्रजंतम पातु वैकुंठ आसीनम तो श्रेयपति। ये सब कवच, ये सब होता है, यू नो, ये सारे शुद्ध स्तोत्रों का भजन का पाठ रेगुलर करते हुए वो शील्ड को बना हुआ अपने लिए भी, घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, देन ओनली और नेगेटिव से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह से हो गया। देन क्या करना है, स्वप्न दुष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोः नाम ग्रहणादिभिः। सपने में देखने वाले और सबको ग्रहण करने वाले दुष्ट शक्तियां भगवान के नाम लेने से ही नाश हो जाते हैं। हम ऐसे भगवान का स्मरण कर रहे हैं। फिर उसके बाद इतना बड़ा शरीर था उपासना का, देन व्हाट दे डिड, मेड इनटू पीसेस एंड बर्निंग। जब जला रहे थे तो इतना सुगंध चारों तरफ, दक्ष्यमानस्य देहस्य धूमश्च अगर सौरभ उत्थित। राक्षस इवन मनुष्य मरते हैं, उनको जलाते हैं, बदबू आती है, भूतना राक्षसी है, हाउ कम दट सुगंध। नेचुरली जब भगवान कृष्ण ने पकड़ा और उनका अंदर का जो भी नेगेटिव को पान कर लिया, और उनको जब अनुग्रह करते हैं तो उनमें कुछ भी पाप नहीं रह सकता, इसलिए उनके देह से सुगंध ही निकल रहा था। फिर उत्थित कृष्ण निर्मुक्त सपद्याहत पापमन। नौ ये जो दो श्लोक है, तीन सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे पोर्शन में वो बहुत दिल को छूने वाला है, समझ लेना। कहते हैं पूतना लोक बालकनी, बोले वो सारे लोक में रहने वाले बालों को, बच्चों को मारने के लिए आई है। फिर राक्षसी, टेरिबल डेमन है वो। फिर रुधिराशना, खून पीने वाले हैं। लेकिन वो भी आई तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए स्तन्यपान विषयुक्त उसने दिया। ये इनके तरफ से सब कुछ है, तो भगवान कृष्ण के तरफ से देखो, इतने दुष्ट राक्षसी होते हुए भी मारने के लिए आकर विष भी दिया, लेकिन भगवान इतने दयालु करुणामय है कि उस पूतना को भी मोक्ष दे दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, करुणामय कृष्ण कन्हैया लाल की। अंडरस्टूड भगवान, किसी भी दृष्टि से आप उनको पकड़ो, बस पकड़ो, मुक्ति देते। और नेक्स्ट श्लोक में जो सुखदेव जी कहते हैं ना, इतना सुंदर है, जो दुष्ट बुद्धि से राक्षसत्व को लेकर मारने के दृष्टि से आने वाली इस राक्षसी को ही भगवान ने मुक्ति दिया, तो फिर किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम्नु रक्तः तन् मातरो यथा। फिर सारे गोपिका लोग और विशेष रूप से यशोदा माता, जो जितने प्यार से लालन पालन पोषण संरक्षण भगवान कृष्ण का किया है, उनको भगवान ने क्या गति दी होगी, है ना। पूतना को ही मोक्ष दिया तो भगवान अपार। अरे देखो, हम पूछते हैं ना, भगवान दुष्टों को भी पैसे क्यों दे रहे। अरे बाबा, तुम शिष्ट बनकर भक्त बनो तो भगवान अपने आप को आपको देंगे। फिर पूतना मोक्षम कृष्णस्य आर्भकम अद्भुतम श्रुणिया श्रद्धया मत्यः गोविंदे लभते रतिम। उनको भगवान में भक्ति मिल जाती है। और पूतना कौन है वेदांत भाषा में, फर्स्ट थिंग इज अवर ओन अज्ञानम और अविद्या। उसको भगवान कृष्ण विद्या और ज्ञान से उन्होंने हटा दिया। देर आर टू टाइप्स ऑफ अविद्या जस्ट इन अवर लैंग्वेज, नॉट इन द शास्त्र लैंग्वेज। एक अज्ञान अविद्या है कि भगवान है पता ही नहीं, यू डोंट इवन नो कि देयर इज ट्रुथ। पहले उसको हटाना है कि भगवान है करके। दूसरा अविद्या क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, उनको क्या पाना है, कैसे पाना, नहीं पता। फिर वो जानकर गुरु कृपा से साधना कर वो भी अविद्या हटा दो तो परमात्मा मिल जाते। तो ये पहला वाला अविद्या है वो हट गई है, ये पूतना। फिर आगे के अध्यायों में भगवान जो है बहुत सारे राक्षस संहार बाहर और अंदर दोनों करने के लिए जो आए हैं करते हैं, हम देखेंगे। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।